ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. प्रीवियस क्लास, ओके, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. AX is the component along x-axis, AY is along y-axis, AZ is along z-axis. And the unit vector of x-axis is I cap, and negative x-axis is minus I cap, and so on. All right. In previous class, I asked, does the unit vector has unit? Kya answer hai iska? No. No unit. Can we prove it? No, it is. Example से prove कर सकते हैं. For example, force of say 5 newton along x-axis is written like this, है ना? And its magnitude is 5 newton. Unit vector is force divided by its magnitude. 5 newton I cap upon 5 newton, 5 newton will get cancelled. I cap will be remain, no unit. Therefore, no unit, no dimension. Got it? Magnitude mein direction chali jati hai. I cap, J cap, K cap bhi 1 ho jata hai. Minus bhi plus ho jata hai. Theek hai? So, therefore, no unit. इससे पहले कोई क्वेश्चन था? ये वाले करने थे, होगा कि नहीं? ये सर डिस्कस नहीं हुए, आपने बोले बस एक बार डिस्कस करने बोले थे आज. तो देखो, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, तो ये उसका ए साइड होगी, ये बी होगी, है ना? तो ये जो है ए प्लस बी होगी. तो ये जो साइड्स होती हैं, टू साइड्स जो होती हैं, उसकी दे आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू less than a plus b. मतलब ऐसे देखो, ये सपोज ए बी सी लिख दो इसको, तो ए बी प्लस बी सी विल बी लेस देन आर इक्वल टू ए सी, है ना? ऐसा होगा कि नहीं? ए सी क्या है? ए प्लस बी है, और ये क्या है? ए है और ये बी है. ऑलराइट, एंड डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है ए बी माइनस बी सी, इट विल बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड ए सी. ये प्रॉपर्टी है. तो फिर से ये हो गया ए प्लस बी का मॉड गेट इसको. ये यहाँ पे मॉड क्यों लगाया हुआ है बोलो? क्योंकि हो सकता है ए बी बड़ी हो या बी सी बड़ी हो, इसलिए मॉड लगा दिया, है ना? क्योंकि जो बड़ा होगा वो पहले लिखना है, बट हमें पता नहीं है, तो इसलिए मॉड में लिख दिया, है ना? इसलिए एक मॉड और लगा दिया कि व्हिचएवर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, इनका डिफरेंस जो है पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मॉड में लिखा है यहाँ पर. या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मॉड नहीं लगाना है और बी माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं, विच एवर इज बिगर. सिमिलरली ये भी वही लॉजिक है, है ना? ऐसे ही अगर हमने ऐसे ऐसे बनाया, है
दो वेक्टर का एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना। इसका जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी इधर कहीं पे आता है, वो भी वो उसके लिए भी वही लॉजिक लगने वाला है। ये दोनों साइड है ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी जो है इट विल बी ग्रेटर देन ए सी। यहाँ पर ए सी क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, विच इज लेस देन वही सेम जो ऊपर लिखा है उसी का रिपीट है, है ना। और इनका जो डिफरेंस है ए सी विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ए बी माइनस बी सी का मॉड, विच इज ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का मॉड। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस लिखो, एंगल जो है एंगल डिसाइड्स भाई कौन सा ए प्लस बी या ए माइनस बी, एक ही बात होती समझ में, वही लॉजिक है इसमें, समझा कि नहीं। ये साइड्स की प्रॉपर्टी यूज करके साइड का सम जो है थर्ड साइड के बराबर या उससे कम, जब तीनों एक ही लाइन में आ गई तब थर्ड साइड के बराबर आ जाएगी, है ना, तब बराबर होगी, अदरवाइज इट विल थर्ड साइड विल बी लेस देन ए प्लस बी एंड लेस देन ए माइनस बी आल्सो। नहीं, लेस देन अगर हमने इस तरह से लिया वेक्टर, इसका डिफरेंस भी लिया तभी भी वही लॉजिक रहेगा, तभी वो थर्ड साइड ही बन रही है, विच विल बी लेस देन आर इक्वल टू व्हेन बोथ द साइड्स आर एडेड, विच विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हेन बोथ द साइड्स आर सबट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 4.6 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी साइड की प्रॉपर्टी वाला पॉइंट लगा के वेक्टर से रिलेट करना है इसको। सर शायद 7 भी दिया था। हाँ, 7 का फिर से ट्राई करो, 7 का तीन पार्ट तो कर सकते हैं, 14 पार्ट तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, अभी मैं दो पार्ट करा देता हूँ उसको, बाकी दो पार्ट के लिए तुम्हें यू हैव टू रीड इट केयरफुली देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, देखते हैं इसको। ये देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ये अगर इनका सम जीरो है तो नल वेक्टर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट करेक्ट। अगर ऐसा हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी के बराबर हुआ तो ए प्लस बी का सम इनके इन दोनों के, मतलब दो वेक्टर जो हैं एक डायरेक्शन में और बाकी दोनों वेक्टर का सम अपोजिट है, तभी भी जीरो आ सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नल वेक्टर होना जरूरी नहीं है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक किसी एक वेक्टर को उधर भेज दो, दो को भेज दो, ए प्लस बी प्लस सी का अगर सम डी के माइनस के बराबर है, यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस डी प्लस डी, तभी भी जीरो आ जाएगा। मेनी कॉम्बिनेशन कैन be possible, they need not to be zero, null vector. B में देखो, the magnitude of A plus B equal to magnitude of B plus D. Yes, कैसे? A plus B plus C plus D is equal to zero दिया है,
तो किसको a प्लस सी को एक तरफ रख लो, माइनस b प्लस डी को दूसरी तरफ भेज दो, तो दोनों दोनों अपोजिट वेक्टर है लेकिन इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, देयरफॉर मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर इक्वल है, ये वेक्टर इसके बराबर है, माइनस लगा हुआ मतलब एक इधर है, a प्लस बी अगर इधर है तो b प्लस डी इधर है, अपोजिट है, माइनस लगा हुआ, मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। सी एंड डी ट्राई करो, ये अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, इस तरह से सी एंड डी भी कर सकते, ठीक है। इसका क्या आंसर था, ये दिया था मैंने सर, ये क्लास में डिस्कस कर लिए थे उस दिन। अच्छा क्या आंसर आ रहा, इन इन सी डी और एफ, इन द फिगर व्हिच ऑफ द इंडिकेटेड मेथड्स फॉर कंबाइनिंग एंड एक्स वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए आर प्रॉपर, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही है ना, इसका एक वेक्टर ये, एक कंपोनेंट ये, इधर वाला कंपोनेंट नीचे शिफ्ट कर दिया, एक्चुअल में तो मैं ऐसे कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा, एक इधर, इसको नीचे ला सकते हैं यहाँ पर, या फिर इधर वाले को इधर ले जा सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले आए या इधर वाले को इधर ले गए, और ये तो ओरिजिनल रहता ही, इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्शन डाल के ऐसे, तो ये सही, ये सही, ये सही, डी सी डी ई एंड एफ, सी वाला भी तो सही है, सी डी एंड एफ, सी वाला ई गलत है, सही दिख रहा है, ओके सी वाला सही दिख रहा है, ये वाला ये भी सही दिख रहा है, ओके ये इसमें उल्टा हो गया, देखो ये इधर चला गया, ऐसा नहीं, ये ऐसे आना चाहिए था, ये रॉन्ग है, रिवर्स ऑर्डर, हाँ सी डी एंड एफ ये सही है, इसका क्या आंसर होगा, डी वन का कंपोनेंट इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट आर द साइंस ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डी, डी वन एंड डी टू, इसका एक्स कंपोनेंट किधर आएगा, डी वन का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये एक्स कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव, इसका इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस यहाँ ड्रा करेंगे, वाई इधर ड्रा करेंगे, तो इधर जाएगा कंपोनेंट, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव आएगा, डी टू का भी, ठीक है। व्हाट आर द साइंस ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ डी वन, तो वाई का कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला या फिर टिप से परपेंडिकुलर डालो एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, और इसमें इसमें क्या करना पड़ता है, यहां से हमें ड्रॉ करो एक्स स्क्वायर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, या तो इसको नीचे ले आओ, यहां पर इस वेक्टर को नीचे ले आओ, ऐसे ओरिजिन पे ले आओ, तब कंपोनेंट देखो,
x कंपोनेंट इधर y कंपोनेंट इधर, या यहीं पे इसके टिप्स या इसके टेल से x y कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, तो ये कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो y कंपोनेंट इज नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं ये? कम ऑन सर, इसको या तो मैंने बोला यहाँ ले आओ, तब x एंड y पर परपेंडिकुलर डालो, ये x कंपोनेंट आएगा और ये नीचे की तरफ आ रहा है, y कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, x कंपोनेंट पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, और या वहीं यहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, x एक्सिस y उसके टेल से x एंड y बना लो, उससे भी पता लग जाएगा, या ओरिजिन पे ले आओ, जैसा भी समझो, इजी समझो वैसा कर लो। उसके बाद व्हाट आर द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ डी वन प्लस डी टू, इसका आंसर बताओ सभी लोग, सी पार्ट का। डी वन प्लस डी टू कहाँ आएगा? डी वन बाय डी पॉजिटिव में रहेगा, सर ओरिजिन से डी टू तक, ये आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट ऊपर, दोनों पॉजिटिव, गॉट इट? यस सर, यस सर, यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव। लिख लो फिर इसका आंसर। Done? Yes, sir. यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना था ना, बोलो क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड? मॉड ऑफ v will be root of coefficient का square, 0.2 का square plus 0 minus 0.3 का square, तो ये तुम्हारा आएगा 0.04 plus 0.09, दोनों ऐड कर दो कितना आ रहा है? 0.13। That's all. यही आंसर हो गया, नथिंग बिग डील इन दिस, सिंपल। आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव। ओके, नोट कर लो। Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, देखो, एक तो हमने वेक्टर एडिशन पहले पढ़ा था आर वाले फार्मूले से, ये दूसरा फार्मूला भी होता है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, व्हेन वेक्टर इज गिवन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, ये इजी है थोड़ा उससे भी। नाउ सपोज वी हैव द वेक्टर ए लाइक दिस, वेक्टर बी लाइक दिस, ए प्लस बी, जेड जेड के भी हो सकता है, बट हम जस्ट सिंपल लिख रहे हैं, जो मेकर्स में के भी मिल सकते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा? आई वाले आई के कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी आए यहाँ भी आए, तो आई कॉमन ले लिया, ए वन प्लस बी वन, जिसमें से जे कॉमन ले लिया, ए टू प्लस बी टू, जे बाहर आ गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो दिस माइनस दिस, तो ए वन माइनस बी वन आई कैप बाहर आ गया, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, जे बाहर आ जाएगा, ए टू माइनस बी टू, सिंपल। समझा कि नहीं? ये ऐड करने में ये ऐड हो जाएंगे, आई कॉमन कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, सबट्रैक्ट करने में आई कॉमन लेके बाहर, और डिजिट्स माइनस हो जाएंगी, प्लस में प्लस हो जाएंगे डिजिट्स, सिंपल, जैसे एलजेब्रिक एडिशन करते हैं, बट आई के कोएफिशिएंट आई में ही ऐड करना, कभी कभी वो सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, है ना, आई पहले दे, इसमें दूसरे वाले में जे पहले दे देंगे और आई बाद में देंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल, पर्टिकुलरली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सीक्वेंस का ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल केसेस में भी सीक्वेंस का। तो माई क्वेश्चन इज दिस, ए इज दिस 3i cap plus 4j cap, b is this one, so you have to find out a plus b, a minus b, mod of a plus b and mod of a minus b, ye jaldi se yahi pe karna hai, this you have to do it here, I am giving you 2 minutes for these 4 parts, jaldi se karo, pehle wo copy kar lo upar ka, ha copy bhi kar lo, uske baad solve karo, chalo theek hai copy kar lo, I will wait, then we'll solve it. मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर, देखो जैसे अभी अपन ए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही करते अपन, और अगर जब अपन देखते हैं कि जो ए वन की वैल्यू रहती है वो बी वन से कम रहती, तो अपन बी वन माइनस ए वन करेंगे क्या, कि ए वन माइनस बी वन? नहीं, जो पूछा है वो, जो सेकंड पूछा है वैसे ही लिखना है, अगर इसमें वन या इसमें वन मोर या लेस नहीं देखना, सेम बिल्कुल सेम, ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी निकलना है, ए माइनस बी पूछा तो ए पहले लिखना है, बी बाद में, और बी माइनस ए पूछा है तो बी पहले लिखना है, माइनस आने दो वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर तो माइनस हो सकता है ना कोएफिशिएंट उसके, हाँ हो सकता है, ओके सर, है ना, ठीक, ओके। Yes. So first one is 5i cap 1. Sorry. Three plus two is 5i cap. 4 plus 3 7 हो जाएगा नीचे, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is also 1 जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये। Now tell me what is mod of a plus b. Sir, root 74. Others.
सर आपने क्या क्वेश्चन पूछे? थर्ड पार्ट करना है। बोलो क्या है? क्या आएगा मॉड 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप का? 74 रूट ऑफ 5 स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, ऐड हो जाता है रूट के अंदर मैग्नीट्यूड में। हाँ सर। फोर्थ रूट 2 यह आया था अपना आई प्लस के कैप, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है? यस सर। ओके नोट कर लो इसको। Any difficulty in this? No, sir. Okay. Now, next topic is position vector of any object. Suppose ये कोई particle है, उसका position vector लिखना है हमें। Position vector is the vector drawn from origin to the position of particle. ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ कर दो जहां पर पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर, सपोज उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हैं, तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करेंगे। आर इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप लगा दो, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप लगा दो। वेरी सिंपल, इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट इज गिवन बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज एट कोऑर्डिनेट x एंड y, इट्स पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर का सिंबल r लिया है, its position vector is x i cap plus y j cap। मतलब coordinates पता है तो उसका position vector बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। coordinates के साथ i cap plus j cap plus k cap कर दो, minus है तो minus हो जाएगा। Yeah.
ओके नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे हम लोग. सपोज पार्टिकल इज एट पोजिशन ए, ऑब्जेक्ट ए पर है, यहां से बी पे चला गया, तो इट इज डिस्प्लेस बाय डी. उसका जो वेक्टर आएगा उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं. सपोज पार्टिकल इज एट ए whose position vector is r1, then it goes to b whose position vector is r2, then displacement vector will be ab which will be equal to what. अभी तुम्हें खुद ही बता तुम लोग, अगर a पर उसका position vector r1 है, b पर r2 है, और ab is the displacement vector which is denoted by d, तो what is the relation between r1, d and r2? ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल इज एट ए देन डिस्प्लेस टू द पॉइंट बी, देन ए बी विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन बाय डी, वेक्टर डी. आर1 आर2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी. तो क्या आएगा बोलो, इन तीनों का रिलेशन बता सकते हैं, डी का रिलेशन आर1 एंड आर2 के टर्म में. डी वेक्टर डी इज इक्वल टू आर2 माइनस आर1. ओके, आर2 माइनस आर1 माइनस आर1. rd is equal to r2 plus r1, rd is equal to r1 minus r2. क्या होगा सर पहला? अच्छा, d r2 minus r1 बोला, कैसे बोल सकते सर? वो नीचे देखा तो ट्रायंगल लॉस वेक्टर. ट्रायंगल लॉस हम लोगों ने ट्रायंगल लॉस सीखा था, जो एस प्लस आर टू इज इक्वल टू डी वेक्टर प्लस आर वेक्टर हो गया इन द सेम सेंस. ओके, जो वेक्टर सेम सेंस में है वो उनका सम इज इक्वल टू द वेक्टर व्हिच इज इन अपोजिट सेंस. ये अपोजिट सेंस का वेक्टर है, तो यहां से देखो ट्रायंगल लॉस से वेक्टर ओए ये वाला प्लस वेक्टर एबी इज इक्वल टू वेक्टर ओबी. थर्ड वेक्टर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल बी सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स. ये हो गया, ये वेक्टर r1 है, ये वाला वेक्टर d है, यहाँ पर आ गया, और ये थर्ड जो है इक्वल टू r2 है, यहाँ पे आ गया. तो r1 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू r2 माइनस r1. तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखो, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ हुई तो मार्क्स जाएंगे. फाइनल पोजीशन वेक्टर इसको ऐसे लिख लो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. यहाँ पे लिख दूं मैं नीचे रेड से, तो डिस्प्लेस विच इज इक्वल टू फाइनल पीवी माइनस इनिशियल पीवी. पीवी स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें वर्क पावर एनर्जी में. वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट रहता है, एफ डॉट एस लिखते हैं या एफ डॉट डी लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डी लिखो या एस लिखो, सिंबल्स कैन चेंज. ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन ये था, इस पर होमवर्क के लिए लिखो. If particle is at coordinates (2, 3), if it is displaced to the origin
find its displacement vector. ठीक है, अभी ब्रेक करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। 2,3 पर था, ओरिजिन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। ऑलराइट।